नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज। इससे हर एक एग्जाम में एक ना एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको हम टाइप वाइज देखेंगे। और इस टॉपिक को देखने के बाद आपको एज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे रेलवे के किसी भी एग्जाम में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और आपको यहाँ पे मैथ्स का कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। अभी तक ये क्लास नंबर 15 होगा, ठीक है ना। टोटल 40 क्लास हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि यहाँ एज में क्या आपको कॉन्सेप्ट देखना है। तो एज में सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले आपको रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आता है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एज में सबसे पहले क्या निकाला जाता है, प्रेजेंट एज आपको सबसे पहले निकालना है। क्या निकालना है, प्रेजेंट एज सबसे पहले आपको एज के क्वेश्चन में निकालना होता है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद किसी भी तरह मान लीजिए कि आपको पास्ट का एज दिया हुआ है, तो पास्ट का अगर एज दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन में समझेंगे। अभी केवल आप ये समझिए कि बिना प्रेजेंट एज निकाले आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। और इसमें ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ है, इसमें कुछ अलग से आपको कुछ याद करना है, इसमें सीधा आपको रेशियो आता है तो आप इस एज के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को देखिएगा, पहला क्वेश्चन आ गया टाइप वन का। क्वेश्चन है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। तो मैंने बताया था कि इसमें रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए और बी का एज के बारे में बोला गया कि इनके एज का जो रेशियो है ना 3:5 है, इनके एज का जो रेशियो है ना 3:5 है। अब बोला गया कि 9 वर्षों के बाद उनकी उम्र 3:4 हो जाती है। 9 वर्षों के बाद मतलब क्या हो जाएगा, 3x+9 और यहाँ पे हो जाएगा 5x+9 हो जाएगा, 5x+9 और उनका जो रेशियो हो जाता है एज का 3/4 हो जाता है, 3/4 हो जाता है। बताए कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आपको बताना है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रेजेंट एज दिया था तो उसको निकालना नहीं था, और बोला कि 9 वर्षों के बाद उनके आयु का जो अनुपात होगा वो चेंज हो जाएगा। तो बस इस इक्वेशन को चेंज मतलब सॉल्व कीजिए, 3×12, 9×36, 15x+27 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो 3x आ जाएगा इक्वल टू में, यहाँ पे देखें तो 9 आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू में 3 आ जाएगा। तो B की वर्तमान आयु निकाले, तो B की वर्तमान आयु क्या दिया हुआ है, ये 5x है ना, B की वर्तमान आयु है 5x, B की वर्तमान आयु है 5x है। यहाँ पे 5 पुट कर दी, 3 पुट कर दीजिएगा तो 5×3 होता है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिएगा, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। तो राम और श्याम, यहां लिख दीजिए राम और यहां लिख दीजिए श्याम, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष पहले यह आयु 5:4 थी, मतलब 4 ईयर एगो के बारे में कहा जा रहा है, 4 साल पहले के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी आयु का अनुपात कितनी थी, 5:7 थी, ठीक है। और यहाँ पे पूछा बोला गया आपसे कि राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो राम और श्याम की आयु का अनुपात मतलब ये जो आयु दिया है ना, ये वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x/4x और यहाँ 4 वर्ष पहले मतलब 4 साल घटा दीजिए, यही होता है ना, 4 साल घटा देंगे 4 साल पहले जाने के लिए, और ये आयु कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से बना लिए हम लोग। अब यहाँ इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ 7×21 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7×21 हो जाएगा और यहाँ पे 7×28 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5×20 हो जाएगा, 20x हो जाएगा और 5×यहाँ भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे 21 में से 20 जाएगा तो x हो जाएगा और यहाँ 28 जाएगा 20 में से तो 8 हो जाएगा, मतलब कि x इज इक्वल टू में 8 वर्ष आ जाएगा ना। अब हम लोग को क्या करना है कि वर्तमान आयु किसका निकालना है, राम का।
राम का वर्तमान आयु कितना है 3x, राम का वर्तमान आयु कितना 3x, तो 8 3 24x हो जाएगा, तो राम का आयु कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। राम अभी कितना साल का है, 24 वर्ष का होगा राम, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। टाइप यहां से चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, यहां से कुछ चेंज देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति अपने पुत्र के वर्तमान आयु का 5 गुना है, मतलब एक व्यक्ति अपने सन का, पुत्र मान लीजिए एक्स हो गया और ये 5 गुना है, नहीं ऐसे बनाना है, तो ऐसे लिख लिए फादर अपने सन का 5 गुना है, फादर अपने सन का 5 गुना है, फादर अपॉन में सन कितना हो जाएगा, फादर अपॉन में सन हो जाएगा 5/1 हो जाएगा, मतलब इन दोनों के रेशियो, इन दोनों का रेशियो निकल जाएगा कि कितने रेशियो, कितना रेशियो है इन दोनों का। उसके बाद देखिएगा, 8 वर्ष बाद अपने वहां अपने पुत्र का के आयु का 3 गुना हो जाएगा, मतलब 8 वर्ष के बाद, तो यहां तो सबसे पहले हमने मान लिया 5x और x मान लिया, तो यहां पे आप क्या कीजिए, 5x प्लस में 8 और यहां पे x प्लस में 8, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यहां दिया नहीं गया है, बट आपको समझना है कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पे सब कुछ अपने आप करना है आपको। 3 गुना हो जाएगा, मतलब ये पुत्र छोटा है ना, तो पुत्र क्या हो जाएगा, पुत्र का क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, 8 साल के बाद, तो हमने 3 गुना कर दिया, पुत्र का फादर क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन को बनाइए और पुत्र का वर्तमान आयु निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस में 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3x प्लस में 24 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, x इक्वल टू में 8 हो जाएगा, मतलब ये भी क्वेश्चन बना लिए, काफी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया कि 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था तथा 12 वर्ष बाद वह अपनी आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 10 साल पहले का एज मानिए, 10 ईयर एगो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कि 10 साल पहले ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था, मतलब ए इक्वल टू में 5 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब अपने बेटे का 5 गुना था, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा ए और एस का रेशियो कितना हो जाएगा, ए और एस का जो रेशियो हो जाएगा 5:1 हो जाएगा, ठीक है, ए और एस का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ए की एज को माने तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और यहाँ से एस की एज को माने तो x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 10 ऐड करना है क्योंकि हम वर्तमान आयु को लेके चलेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में वर्तमान आयु नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को आगे बना ही नहीं सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि तथा 12 वर्ष बाद वह अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है, 12 वर्ष बाद वह अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ देखिएगा 12 वर्ष बाद, तो 5x प्लस में 10 प्लस में 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस में 10 प्लस में 12, 12 वर्ष बाद। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा बोला गया 3 गुना, मतलब सन का 3 गुना हो जाएगा, अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा, तो ये कर लीजिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान आयु क्या है, x प्लस में 10 है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्तमान आयु, ना कि पूछा गया है कि 10 वर्ष पहले का आयु, 10 वर्ष पहले का आयु केवल निकालेंगे तो x माना है हमने, और अगर वर्तमान आयु पूछेगा तो x प्लस में 10, तो जो भी आंसर आएगा उसमें x प्लस में 10 कीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे 5x प्लस में 22 हो जाएगा, 5x प्लस में 22 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस में 66 हो जाएगा, ऐड करके मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो अब यहाँ से इन दोनों को घटा लीजिए तो 2x आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ से x का जो मान निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 22 निकल जाएगा, x का मान कितना निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा x का मान कितना निकल जाएगा, 22 निकल जाएगा। अब उसके बेटे का आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग उसके बेटे का आयु, तो उसके बेटे का आयु क्या हो जाएगा, x प्लस में 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे सन का एज निकालिए तो क्या हो जाएगा, 22 प्लस में 10 हो जाएगा, 22 प्लस में 10 मतलब सन का एज कितना हो जाएगा, 32 साल, सन का एज कितना हो जाएगा, उसके बेटे का एज कितना हो जाएगा, 32 साल। क्वेश्चन में इस चीज को पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है 22 साल भी दिया हो,
बट 22 साल गलत आंसर होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा 32 साल। इस क्वेश्चन का सही आंसर 32 साल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, टाइप 3 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु 7:5 है, ए तथा बी की वर्तमान आयु 7:5 है, तो यहाँ लिखिए 7:5 है। यदि ए तथा बी के उम्र का योग 60 वर्ष है, अब यहाँ दिया हुआ है, ये तो मैंने लिख दिया ए और बी के वर्तमान आयु, और ए प्लस बी का जो एज दिया हुआ है ना वो 60 साल दिया हुआ है, ठीक है, 60 साल दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ए और बी के आयु का योग दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया कि अब हमें बता दीजिए यहाँ पे कि ए की आयु कितना है, तो 60 लिखिए, और ए का हिस्सा कितना है 7 हिस्सा है, तो 7 लिखिए, और ये 7 × 5 कितना होता है 12 होता है, तो 12 टोटल हिस्सा हो गया 12। अब ये 5 बार में कटेगा, मतलब ए का आयु कितना हो जाएगा 35 साल, 60 में से बी का आयु घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बी का एज हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा, ए का आयु 35 साल हो जाएगा, ठीक है, 35 वर्ष हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी हमने तुरंत बना लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाइप 3 है शायद, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा हुआ है कि ए तथा बी के उम्र का अनुपात 7:5 है, ए तथा बी के एज का अनुपात, ए तथा बी के एज का अनुपात कितना हो जाएगा 7:5 हो जाएगा, ठीक है, मैंने बता दिया। तथा 6 वर्षों के बाद ए तथा बी के उम्र का योग 72 साल है, 6 वर्षों के बाद, ध्यान दीजिएगा 6 वर्षों के बाद लिखा है ना यहाँ पे, और ये किसके बारे में बोला जा रहा है, ए तथा बी के उम्र का अनुपात इतना है, 6 वर्षों के बाद उनका योग बोला जाता है, ठीक है, तो 6 वर्षों के बाद 7x + 6 + यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x + 6 + 5x + 6 है, और उनका आयु का योग कितना हो जाता है 72 साल। एक तरीका तो ये हुआ जिससे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, यहाँ से भी आपका क्या होगा आंसर सही होगा, क्योंकि बाद में बोला गया ना तो 6 वर्ष ऐड कर देंगे वर्तमान आयु में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोग कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, अभी स्टेप से बता रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा इक्वल टू में 72 हो जाएगा, अब ये 12 यहाँ से घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x इज इक्वल टू में 60 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया, x का वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया, तो b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु यहाँ पे पुट करेंगे तो b इक्वल टू में 5x हो जाएगा, तो 5 × 5 हो जाएगा, मतलब b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, b की वर्तमान आयु 25 साल हो जाएगी। बट हम लोग चाहते हैं कि इतना काम ना करें, इतना काम ना करें तब क्या करेंगे, तब इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ये भी जो मैंने बताया वो भी सही बताया, कहीं गलत नहीं है, बट इसमें टाइम लग जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। मैं आपको इसी क्वेश्चन को ट्रिक से बताता हूँ, जैसे ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ था 7:5 दिया था, ठीक है ना, ए और बी के अनुपात कितना दिया था 7:5 दिया था, आपको 6 वर्ष के बाद का योगफल दिया हुआ ना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 6 वर्ष के बाद का योगफल दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 72 में से 6 × 2 कर देंगे। अब ये आप पूछेंगे कि 72 में से 6 × 2 हमने क्यों किया, ठीक है ना, तो ये सवाल आपके मन में आ गया, तो ये देखिएगा वर्तमान में ये कब का दिया 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर दिया हुआ है, आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल बाद ए का भी 6 साल इंक्रीज होगा, बी का भी 6 साल इंक्रीज होगा, ठीक है ना, तो इसलिए दोनों का जब इंक्रीज करेंगे तो 12 साल दोनों में इंक्रीज होगा, तो 72 में से क्या करेंगे ना 12 को घटा लेंगे, मतलब वर्तमान में उन लोगों का जो योग है ना वो कितना है ए प्लस बी का 60 साल है, ठीक है, तो अभी जैसे बनाया था वैसे ही हम लोग बना लेंगे। बी का निकालना है तो बी का 5 हिस्सा टोटल 12 हिस्सा गुना में 60 है, अब ये कट गया, अब यहाँ पे 5 मतलब ये हो जाएगा 25 हिस्सा, ऐसे करके आप तुरंत बना सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन को हमने दो तरीके से बनाया, एक स्ट्रिप से बनाया, एक ट्रिक से बनाया, आप किसी भी मेथड से बनाइए, ऐसे क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बना सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, श्याम राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है 4:5 है, ठीक है ना, 4 वर्ष बाद है उनकी आयु का योग, मतलब 4 साल बाद, मतलब इसमें 4 ऐड होगा, इसमें 4 ऐड होगा, टोटल 8 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है, यहाँ दिया हुआ है कितना हो जाता है,
80 वर्ष हो जाता है, कितना साल हो जाता है 80 साल। मतलब अगर प्रेजेंट में उनका एज निकाले, प्रेजेंट में अगर राम प्लस में श्याम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 में से 8 घट जाएगा, क्योंकि 8 से वो 4 साल बाद का दिया है उनके आयु का योग। मतलब अभी वर्तमान में 72 साल है उनके आयु का योग। तो पूछा कि 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो पहले वर्तमान आयु निकालेंगे तब तो 4 साल बाद निकालेंगे, तो 72 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है 72 यहाँ लिख लीजिए और किसी एक का आयु निकाल लीजिए, तो टोटल कितने 9। तो राम का निकालेंगे तो 4/9 ये 8 हो जाएगा, मतलब 72 हो जाएगा, तो 1 का 40 हो जाएगा। मान लीजिए राम का 32, श्याम का 40, 4 साल ऐड कर दीजिए, 36/9 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब ये 4 9 और 4 11, मतलब कि राम और श्याम के आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। ये कब का, आफ्टर 4 ईयर, ठीक है आफ्टर 4 ईयर ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन घुमाया जाता है एग्जाम। अब दोस्तों हम टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ये कुछ अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक माँ एवं बेटी की उम्र का योग, मतलब माँ मदर प्लस में डॉटर का जो एज का मतलब सम दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, वो 32 साल दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की 5 गुनी थी, तो 7 साल पहले जाना है। तो अगर मान लीजिए कि माँ का एज हम मान लेते हैं कि एक्स मान लेते हैं, हमें किसका एज पूछा है, बेटी के वर्तमान आयु, तो बेटी का एज क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए, बेटी का एज ही क्या मान लीजिए एक्स है, तो माँ का एज कितना हो जाएगा 32 - x हो जाएगा, ठीक है। अब 7 वर्ष पूर्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है, 7 वर्ष पूर्व मतलब एक्स माइनस में 7 हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व यही हो जाएगा, और बेटी छोटी है तो 5 गुना बेटी हो जाएगी, और माँ का जो आयु होता है 7 वर्ष पूर्व बेटी की आयु का 5 गुना है, तो यहाँ से भी 7 साल घटेगा। बस इसको आप सॉल्व कीजिए, 5x हो जाएगा, यहाँ पे -7 - 35 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस से 35 लिखेंगे, और यहाँ पे 25 से और -x हो जाएगा। अब ये और ये ऐड हो जाएगा और ये यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, तो 6x = 60 हो जाएगा, मतलब कि x = यहाँ कितना हो जाएगा, x = यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, x = यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बताए कि बेटी की वर्तमान आयु क्या है, तो बेटी की वर्तमान आयु हमें निकालना है, तो ये शायद वर्तमान का ही दिया था और हमने क्या निकाला एक्स निकाला, तो हमने आंसर डायरेक्ट निकाल दिया, जिसका पूछेगा बस उसी को एक्स मान के बनाइएगा, तो एक बार में आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रभा और उसकी बेटी के वर्तमान आयु का योगफल 60 है। देखिएगा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, प्रभा और उसकी बेटी की वर्तमान आयु, प्रभा प्लस में उसकी डॉटर की वर्तमान आयु का जो सम है ना वो 60 साल है, ठीक है। 5 वर्ष बाद अपनी पुत्री की 4 गुना हो जाती है, तो सेम यही क्वेश्चन है। तो हम तो पहले प्रभा का एज मान लेते हैं, प्रभा का एज कितना मान ले, किसका एज हमें निकालना है बेटी का, तो बेटी का एज मानते हैं पहले एक्स, बेटी का एज मानते हैं एक्स, और प्रभा का एज कितना हो जाएगा, प्रभा का एज हो जाएगा 60 - x, क्योंकि ये वर्तमान आयु के बारे में बात किया जा रहा है। तो अभी तक हमने वर्तमान आयु का जो पहला स्टेप होता है उसको कंप्लीट किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 5 साल पहले या बाद में, 5 साल बाद, यहाँ बाद वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग को क्या करना है x प्लस में 5 और यहाँ पे क्या करना है 60 - x + 5, ये काम तो करेंगे। अब दुगुना 4 गुना हो जाता है, तो बेटी हमेशा क्या हो जाएगी, वो 4 गुना हो जाएगी, यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ प्लस में 20 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, और यहाँ -x हो जाएगा। अब यहाँ पे 5x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 9 हो जाएगा, मतलब x = कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा x = 9। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितने आसानी से बनाया, हमें सीधा बेटी का एज निकालना था और हमारे पास सीधा अभी बेटी का एज है 9 साल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 टाइप 5 है। 5 वर्ष पहले ए तथा बी के उम्र का अनुपात 2:3,
अब ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रेजेंट इज नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट इज बनाना होगा अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो। याद देखिएगा 5 साल पहले, तो ये आप याद रखिएगा 5 साल पहले बोला गया है, तो 5 ईयर एगो लिख लीजिए, 5 ईयर एगो ऐसा लिख लिया हमने, 5 ईयर एगो। अब ए और बी के उम्र का अनुपात, ए और बी के उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए और बी के उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया है। कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। 10 वर्ष के बाद ए तथा बी के उम्र का अनुपात 3:4 हो जाता है 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिख लीजिए 10 ईयर आफ्टर, 10 ईयर आफ्टर, 10 ईयर आफ्टर, ठीक है ना, 10 ईयर आफ्टर। 10 वर्ष के बाद ए तथा बी के उम्र का अनुपात 3:4 हो जाता है, ए तथा बी के एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाता है, ठीक है। दोनों कंडीशन लिखे, पहले और बाद का, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो हमें पहले प्रेजेंट एज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5 साल पहले का एज का रेशियो लिख लेंगे और उसमें 5 साल ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट एज निकल जाएगा, तरीका मैंने बताया था आपको। और इसमें 10 साल और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तो प्रेजेंट एज है, ये हमने क्या लिखा, प्रेजेंट एज लिखा, और ये कंडीशन कब बनेगा, 10 साल के बाद, तो 10 साल दोनों में ऐड कीजिए, अब ये रेशियो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं नीचे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4×2 8 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, 10×5 15, यहाँ 60 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3×3 9 हो जाएगा, और ये फिर से 15 हो जाएगा, तो 15×3 45 हो जाएगा। यहाँ पे आगे सॉल्व कीजिएगा, तो 9 में से 8 जाएगा तो x बचेगा, और 60 में से 15 जाएगा तो 45, मतलब x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु पूछा गया, तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ए इक्वल टू में 2x + 5, ये वर्तमान आयु है ए का, तो 15 पुट कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, 30+5 35 साल का ए हो जाएगा, तो ए का एज कितना निकल जाएगा, ए का एज निकल जाएगा 35 साल। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम सभी क्वेश्चन को बना पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा। आज से 5 वर्ष पूर्व अरुणा की आयु सुमन की आयु का दुगुना थी, आज से पांच वर्ष पूर्व अरुणा की आयु 5 साल पहले, तो ये याद रखना है कि 5 साल एगो बोला जा रहा है या फिर आफ्टर बोला जा रहा है, ठीक है ना। 5 साल पहले अरुणा की आयु सुमन की आयु को दुगुनी थी, याद लिख लीजिए, अरुणा की आयु सुमन की आयु को दुगुनी थी, मतलब ऐसा लिखा हुआ है। तो अरुणा और सुमन की आयु का बीच में अनुपात क्या निकल जाएगा, 2:1 निकल जाएगा, ठीक है, अरुणा और सुमन की आयु का अनुपात। अब आपसे पूछा गया है कि आज से 10 वर्ष बाद अरुणा की आयु सुमन की आयु के 3/5 से 3/4 हो जाएगी, 10 साल बाद का कहानी बोला गया है कि 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर अरुणा की आयु सुमन की आयु का, मतलब अरुणा की आयु सुमन की आयु का 3/4 हो जाएगी, ये गुना में तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा, मतलब ये क्या हो जाएगा, रेशियो में हो जाएगा, 10 साल बाद का रेशियो दिया है कुल मिला के। तो अरुणा की वर्तमान आयु कितनी होगी ये पूछा है, तो आपको फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना होगा, तो हम लोग बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या होगा, पहले वर्तमान आयु चाहिए, तो 2x हो जाएगा, 2x+5 हो जाएगा, और यहाँ x+5 हो जाएगा, ये वर्तमान आयु, और ये 10 साल का बाद का कहानी है, तो वर्तमान आयु में 10 साल ऐड करेंगे तब जाके वो इक्वेशन मिलेगा, मतलब जो रेशियो है 3/4 वो मिल जाएगा। अब ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, तो गुना कीजिए जल्दी से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5×20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15×60 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15×60 है, और यहाँ 3x हो जाएगा, और 15×3 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15×3 45 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 5x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 3 हो जाएगा, ठीक है, ये x इज इक्वल टू में हमने 3 निकाल लिया। तो आपसे पूछा कि अरुणा की आयु कितनी होगी, तो अरुणा की आयु अगर हम लोग लिखना चाहे प्रेजेंट एज, तो अरुणा हो जाएगा 2x+5 हो जाएगा, बस यहाँ पुट कर दीजिए तो 6+5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो अरुणा की आयु कितना हो जाएगा, 11 साल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 11 साल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना बता दिया हमने, 11 ईयर। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप सही स्टेप से बनाते हैं तो
तो कोई भी क्वेश्चन में आप फंसने वाले नहीं है, सभी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। अब दोस्तों हम टाइप सिक्स क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिएगा। ए और बी के बीच में जो आयु का डिफरेंस है वो 15 साल है, ठीक है। उसके बाद 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, मतलब 10 after 10 year। ए और बी का जो रेशियो हो जाता है वो 4:5 हो जाता है, ठीक है। ए और बी का जो रेशियो हो जाता है 4:7 लिखा हुआ है, 4:7 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आपसे पूछा गया है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ध्यान से देखिएगा बी की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे बी की वर्तमान आयु, तो सबसे पहले ए का 10 साल पहले वाला आयु निकालते हैं तो 4x, बी का निकालते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। वर्तमान निकालना होगा तो ये आफ्टर दिया, तो हम क्या करेंगे 10 साल घटा देंगे, यहाँ भी 10 साल घटा देंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा ये वर्तमान एज हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे इस यहाँ पे पुट कीजिए, तो ए माइनस बी मतलब बी माइनस ए, क्योंकि बी ज्यादा है ए कम है, तो बी माइनस ए कितना हो जाएगा बी माइनस ए, यही पे घटा लीजिए ना साइन चेंज करके, उल्टा घटाना होगा या हम लोग नॉर्मली घटा भी लेते हैं। 4x माइनस में 10 हो जाएगा इक्वल टू में 15 दिया हुआ है पहले से, ये चीज आपको दिख रहा है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होगा, तो 10 से 10 कटेगा, 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो 3x हो जाएगा। x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू में 5 निकल जाएगा, x इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा ये 5 निकल जाएगा, x इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। बस यहाँ पे क्या कीजिए 5 पुट कर दीजिए, मतलब 7 गुना में 5 हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 35 में से 10 जाएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें बी का पूछा था, बी का हमने निकाल लिया क्योंकि बी का वर्तमान आयु ये था 7x है माइनस में 10, और यहाँ x इज इक्वल टू में 5 आया, यहाँ पुट किए तो 35 में से 10 गया तो 25 साल। ए का निकालना होगा तो ए का आप निकाल सकते हैं, तो ए का एज कोई बता दीजिएगा कि कितना होगा, तो ए का एज मुझे लगता है कि 10 साल होगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। ए का एज कितना होना चाहिए 10 साल होना चाहिए, बट यहाँ पूछा नहीं है। आगे देखिएगा अंतर, मतलब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, देखिएगा टाइप 7, आज रीना सीमा की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है, यदि उसके उम्र में 2 वर्ष का अंतर हो तो रीना की आयु क्या होगी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, लिखा हुआ है कि आज रीना सीमा की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है, तो जो स्टेटमेंट है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिएगा आज रीना सीमा की 2 वर्ष पूर्व की आयु, आज रीना सीमा की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है, ऐसे ही लिखेंगे, सीमा दो सीमा में से 2 साल घटा देंगे। सीमा की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है यदि उसके उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, यदि उनके उम्र में 2 वर्ष का अंतर है तब रीना की आयु क्या होगी, ठीक है। यदि उनकी उम्र में 2 साल का अंतर है, तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो r इक्वल टू में 2s माइनस में 4, ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या निकलेगा, r प्लस में 4 इक्वल टू में 2s निकल जाएगा, ठीक है, r प्लस में 4 इक्वल टू में 2s निकल जाएगा। तब आपसे पूछा गया है कि रीना की आयु क्या होगी जब उनके उम्र में 2 साल का अंतर होगा, तो अगर हम लोग एस निकाल ले, हमें किससे किसका पूछा गया, रीना का पूछा गया ना, तो हम यहाँ पे रीना का तो एज यही पे निकाल चुके हैं, यही आपको तो रीना का एज निकल गया, ठीक है, रीना का एज यही पे निकल गया। और सीमा का एज मान लेते हैं एस से, सीमा का एज एस ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है रीना माइनस में सीमा इक्वल टू में 2 साल, रीना का एज कितना है ये वाला, तो इसको पुट कीजिए 2s माइनस में 4, और यहाँ s का की जगह पे s ही पुट हो जाएगा इक्वल टू में 2, यहाँ से ये क्या होगा घटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा s हो जाएगा, और ये 4 जो है इस साइड ऐड हो जाएगा, मतलब ये 6 हो जाएगा, मतलब सीमा का एज हो जाएगा 6 साल, सीमा का एज हो गया 6 साल। अब हम लोग को क्या करना है,
रीना का एज निकालना है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, दो गुना में छ माइनस में चार इक्वल टू में कितना हो जाएगा, बारह माइनस में चार, मतलब कि रीना का एज हो जाएगा आठ साल। रीना का एज कितना हो गया आठ साल, सीमा का एज कितना हो गया छह साल। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ट्रिक के चक्कर में रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे, एग्जाम में आपसे बनेगा ही नहीं। ट्रिक कितना याद कीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, टाइप एट। देखिएगा ये क्वेश्चन ट्रिक से बना सकते हैं, जल्दी से बना सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं स्टेप से बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। देखिएगा यहाँ बोला गया है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल प्रशांत से की आयु का योग 48 है, यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है तो जयेश का एज कितना होगा। तो बस क्या कीजिए, 48 को 2 से भागा दे दीजिए, जिसका भी एज पूछा है 24 साल निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 24 साल। और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठा के दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग एग्जाम में देख के जाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप स्टेप से समझते हैं कि स्टेप से कैसे बनाएंगे। अभी तो मैंने ट्रिक से बता दिया कि सीधा हाफ कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, जयेश अनिल से छोटा है, ई जो है ना अनिल से छोटा है, उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से एज में ज्यादा है, मतलब जयेश प्रशांत से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट है, मतलब 2j बना देगा, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस में p हो जाएगा, a प्लस में p, मतलब यहाँ से j इक्वल टू में a प्लस में p बाई 2 आ जाएगा। अब a प्लस में p कितना दिया है, 48 साल दिया है, 2 से भागा दे दीजिए, जयेश का एज निकल गया 24 साल। जयेश का एज कितना निकल जाएगा, 24 साल। देख सकते हैं तुरंत हमने स्टेप से भी बना लिया, और ट्रिक से तो एक सेकेंड में बना सकते हैं, केवल ऑप्शन क्लिक करने का टाइम चाहिए आपको। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी टाइप, टाइप नंबर 9, आखिरी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या पूछा गया है कि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की चार गुनी है। 10 वर्ष पूर्व, 10 ईयर एगो, ए की आयु बी की आयु की चार गुनी है, ए की आयु बी की आयु की चार गुनी है, मतलब उनके बीच में रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। लेकिन 15 वर्ष बाद वह बी की उम्र के दुगुने हो जाएगा, मतलब 15 साल बाद। यहाँ पे लिखते हैं 15 ईयर एगो आफ्टर 15 ईयर, क्या हो जाएगा, आफ्टर 15 ईयर, 15 वर्ष बाद बी की उम्र के दुगुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये फिर से क्वेश्चन को देखिए, फिर से स्टेटमेंट को समझिए। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की चारगुनी है, ठीक है। फिर बोला जाता है कि ए की आयु 15 वर्ष बाद बी की आयु के दुगुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। यहाँ ध्यान से समझना है कि पहले तो वर्तमान आयु निकालना है, मतलब प्रेजेंट एज कितना है ये निकालना है। प्रेजेंट एज ए का निकालिएगा तो 4x प्लस में कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 ईयर एगो बोला गया। बी का एज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस में 10, तो ये दोनों का वर्तमान एज निकल गया, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब 15 साल बाद का कहानी है, अभी हम लोग बनाना है, तो क्या करेंगे, आफ्टर 15 साल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4x प्लस में 10 करेंगे, प्लस में 15 साल ऐड कर देंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या करेंगे, x प्लस में 10 करेंगे, और इसमें भी 15 साल को हम लोग ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन को देखेंगे, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी की उम्र के दुगुने से, मतलब ये बी वाला एज है, तो बी के एज के दुगुने से, मतलब 2 से गुना कर देंगे, 5 साल अधिक है, यही क्वेश्चन बोला गया। तो इक्वेशन हम लोग का बन गया, अब कोई भी क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे 4x प्लस में 25 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 4x प्लस में 25 हो जाएगा, यहाँ 2x प्लस में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और प्लस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये घटेगा, मतलब 2x हो जाएगा, और यहाँ 55 हो जाएगा, 55 में से क्या होगा, 25 जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 15 बार में, मतलब x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं, क्या पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद b की आयु क्या होगी। तो पहले तो b का एज निकालना होगा दोस्तों। यहाँ देखिएगा x इज इक्वल टू में 15 साल आया ना, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, x के जगह पे 15 साल पुट करेंगे, तो b का एज निकल जाएगा 15 प्लस में 10 है, मतलब ये 25 साल निकल जाएगा, और 5 साल बाद का एज पूछा है, तो 30 साल हो जाएगा 5 साल बाद। मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि b का एज 5 साल बाद क्या होगा,
तो वो क्या हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। और किसी भी टॉपिक में आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, उस टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। पहले हम रेलवे के मैथ्स को कवर करेंगे, उसके बाद रीजनिंग को कवर करेंगे, फिर बाकी सब सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे, हर एक एग्जाम को हम कवर करेंगे। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का आपको प्रॉपर वीडियो मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। इसके लिए हमारे चैनल से आप जरूर ऐड हो जाएं, ताकि आप लोग का जो भी डाउट हो वो क्लियर हो सके, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का अच्छा रहे, काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।